Xiaomi has successfully started the beta testing of Xiaomi 14, Xiaomi 13 series, Redmi K60 series, Xiaomi 12 series and Redmi K50 series. और यहाँ पे Xiaomi 12 series, K50 series में HyperOS के beta updates बहुत ही जल्द available होने वाले हैं. So simply यहाँ पे stay tuned रहिए. जब भी updates को release किया जाएगा उनके regarding में long video यहाँ पर create कर दूँगा. और इसी के साथ यहाँ पे Xiaomi ने HyperOS के mode डिवाइसेस के लिए HyperOS की इंटरनल बेटा टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है. सो अब हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से डिवाइसेस के लिए HyperOS के बेटा अपडेट्स, स्टेबल अपडेट्स आने वाले हैं. सो यहाँ पे Xiaomi HyperOS बैचेस ऑफ द मॉडल्स पुश टाइम टू बी डिटर माइंड. सो यहाँ पे Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Realme K50 Extreme Edition, Realme K50 Gaming Edition, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, Realme K50 Pro, Realme K50 और यहाँ पे Xiaomi Pad 5 Pro 12.4. सो यहाँ पे Xiaomi Pad 6 Max में इंटरनल बिल्ड ऑलरेडी HyperOS का अवेलेबल हो चुका है. सो यहाँ पे Xiaomi Pad 6 Max के बाद यहाँ पे Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 में HyperOS के इंटरनल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि Xiaomi Pad 5 सीरीज में से केवल Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 ही है जिसमें हमें HyperOS Android 14 पे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये वाला पैड यहाँ पर Android 12 के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro Android 11 के साथ लॉन्च किए गए थे, इसलिए उनको Android 14 का मेजर अपडेट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो यहाँ पे Xiaomi Pad 5 Pro में HyperOS 12.4 और इसी के साथ Xiaomi 12 सीरीज, K50 सीरीज, Xiaomi 12S सीरीज, इनमें HyperOS की इंटरनल बेटा टेस्टिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है. सो आप यहाँ पे कौन से डिवाइस के लिए HyperOS का वेट कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से करके जाना. तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो HyperOS इंटरनल बेटा टेस्टिंग से रिलेटेड.